तो दोस्तों हम आज की अपनी वीडियो में जानेंगे कि हम M08 कोड का यूज करके किस तरह से हम मशीन का कूलेंट ऑन करते हैं। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि M08 कोड डालने के बाद में किस तरह से मशीन का कूलेंट शुरू होता है। तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मशीन के पैनल पे आना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एडिट मोड है, तो हमें क्या करना है कि हमें M08 को चेक करना है कि किस तरह से वर्क करता है। तो हमें उसके लिए चाहिए होता है MDI मोड। अभी यहाँ पे एडिट मोड है, तो हम सिंपली मोड को स्विच करेंगे। ये जो हमारा बटन है मोड सिलेक्टर का, तो हम इसे घुमाएंगे। देखिए अब क्या आता है यहाँ पे, मेमोरी मतलब ऑटो मोड, उसके बाद में यहाँ पे MDI मोड मतलब मैनुअल डाटा इनपुट मोड। हमें यही मोड चाहिए, इसी मोड में हमारा कोड हम चेक करेंगे किस तरह से काम करता है। तो सिंपली अभी हम यहाँ पे डालेंगे M08 और एंड ऑफ ब्लॉक, बराबर है, और सॉरी हम इंसर्ट, बराबर। तो अभी हम चेक करेंगे कि किस तरह से काम करता है। जैसे हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो कूलेंट चालू होता है या नहीं होता है, ये हम चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों अभी हम करते हैं साइकिल स्टार्ट। देखो अभी हमने की साइकिल स्टार्ट, देखो कूलेंट शुरू हो गया है, बराबर है। हमने जैसे ही हमने बटन दबाया वैसे ही कूलेंट चालू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों M08 कोड हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी M08 कोड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं CNC VMC का स्टडी करने वाले उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। अभी ये कूलेंट का फ्लो हमें बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, रिसेट बटन प्रेस करेंगे। देखो कूलेंट चालू है, अभी मैं रिसेट बटन दबा दाऊँ तो कूलेंट बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह दोस्तों हम कूलेंट स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।